मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आगरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ब्रज भूमि के इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी से जुड़े हुए जनपद आगरा वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, आगरा वासियों की ओर से, फतेहपुर सीकरी की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब ने इस बात को देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने के लिए एक आह्वान किया था। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी का पंच प्रण का वह आह्वान जो भारत के अंदर गुलामी के अंशों को समाप्त करने और विरासत का सम्मान करने के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रत्येक भारतवासी को जुड़ने के लिए आह्वान करता है और उसके साथ एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। बहनों और भाइयों, जब इस देश का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उन स्थितियों में आपके द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया गया और आज उस विश्वास का परिणाम हम सबके सामने है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद से भारत मुक्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, सुरक्षित भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग फिर से खड़यंत्र करने के लिए आपके बीच आए हैं और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए कि आपके वोट ने देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 10 वर्ष में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज इस नए भारत के शिल्पी,
आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, उनका योग्य मार्गदर्शन हम आगरा वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद। आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से श्री राजकुमार चाहर को प्राप्त है। कमल चुनाव चिन्ह पर आपका एक एक वोट सीधे मोदी जी के संकल्पों को और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाएगा। और इस दिश से आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।